जहाँ तक मुझे आशंका है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि अगर भारतीय जनता को, वो दोनों पार्टी से लड़ सकता है, तरनजीत संधू जो हमारा अम्बेसडर था, तेजा सिंह समुद्री का ग्रैंडसन है वो, और भारत का अम्बेसडर था अमेरिका में, और वो ऑलरेडी सक्रिय है, कह रहे हैं कि बीजेपी से लड़ेगा, तय हो गया भाई, वो उनको ज्यादा नॉलेज है। मैं तो कह रहा हूँ अकाली दल, तेजा सिंह समुद्री का ग्रैंडसन है, इसलिए अकाली दल के साथ भी लड़ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह हर किसी को लड़वा देगी, नहीं लड़ेगा तो कुछ और छोड़ देगी पीछे, वो हम बहस में ना पड़े। देखो चॉइस उसके पास है, अगर उसको फ्रीडम ऑफ चॉइस दोगे तो ये और पॉइंट है, पर और उसके सुखबीर से रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है, पर अब इलाकाई थोड़ी समीक्षा करनी भी जरूरी हो जाती है। जो मांझा का इलाका रावी और ब्यास के बीच का, वहां पर 3 सीटें, 2 कांग्रेस ने जीती, 1 बीजेपी ने जीती, गुरदासपुर क्या डाउटफुल सीट हो जाएगी, या दोआबा की बात करें जहां आरक्षित सीटें हैं, और मालवा, इलाकाई विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है क्या संजय, पंजाब का? नहीं, जरूरी तो हो जाता है पंजाब का, क्यों, अलग अलग राज्यों में भी चुनाव जो विश्लेषण है वो इलाकाई विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन जो अभी हमने आंकड़े दिखाए हैं इसके आधार पर तो अलग अलग 3 जो क्षेत्र हैं पंजाब के, उसका विश्लेषण कर पाना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि कह नहीं सकते ना किस इलाके में कितनी वोटें किसको आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, हम जानते हैं कि पार्टियों का जनाधार, चाहे हम अकाली की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी का जनाधार तो मोर और लेस सारे इलाकों में है, कांग्रेस का भी, लेकिन अगर बीजेपी और हम अकालियों की बात करें तो उनका जनाधार तीनों इलाकों में बराबर नहीं होगा, इसी वजह से इतने कम वोट पर भी वो एक सीट निकाल पा रहे हैं। कह रहे थे कि लायबिलिटी हो जाएगी, जो साथ लेगा शिरोमणि अकाली दल को, वो ऐसा कि जिसे तैरना नहीं आता, पत्थर भी बांध लिया अपने गले में। हाँ, वो आप कई तरह के उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अगर आप विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखें तो बहुत साफ है, वहाँ हमारे पास हकीकत सामने है कि उनकी विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रही थी, और कोई ऐसे संकेत नहीं है कि विधानसभा चुनाव से आज तक उनकी इमेज में या पार्टी के स्टेचर में कोई फर्क आया है। तो बिल्कुल, मैं प्रदीप जी की बात, इलाकाई विश्लेषण कैसे करेंगी अदिति, आप इतना वाकिफ हैं पंजाब से? नहीं देखिए, मालवा ही जी, मालवा भी की, मालवा की उसको कौन कॉन्कर करता है, बिल्कुल मालवा हमेशा की रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी, ये जो लायबिलिटी के पॉइंट पे, स्पेशली पंजाब की राजनीति को इतने सिंपलिस्टिक टर्म्स में समझा नहीं जा सकता। फॉर इंस्टेंस 1997 में जैसा मैंने कहा कि हिस्टोरिकली जीती अकाली दल और भाजपा का कोएलिशन, उसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में स्वीप कर गए, सारी सीटें जीत गए, और 99 में क्या हुआ, सुखबीर बादल अपनी सीट भी हार गए और कांग्रेस सारी सीटें जीत गई। उसके बाद आप आ जाइए 2014 में, 2014 का चुनाव सडनली आम आदमी पार्टी की चार सीटें जीत गए, मतलब महारथी भार गए सारे कांग्रेस के। उसके बाद आप आ जाइए 2019 में, मतलब फिर से नीचे। मैं एक और परिपेक्ष में आम दर्शक के समझाने के लिए कहूँ, आउटलायर स्टेट, देश भर में कोई लहर चल भी रही हो, पंजाब उससे बेखबर हो जाता है, पंजाब अपना रास्ता अनइन्फ्लुएंस्ड होता है, अनइन्फ्लुएंस्ड एब्सोल्युटली अपने दिमाग से चलता है। और अकाली दल पे मैं स्पेशली एक कमेंट करना चाहूंगी, द ओनली पंथिक पार्टी इन पंजाब कैन नेवर बी अ लायबिलिटी और कैन नेवर बी इररिलेवेंट। ठीक है, अबे आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्रदीप जी की बात पे एक टिप्पणी करूंगा। प्रदीप जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई राष्ट्रीय परिदृश्य उनका नहीं बनता है, उनका दिल्ली में इतनी सीटें जीतने के बावजूद, उनकी बात सही है। ये मौका है, ये चुनाव जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है, जब वो लोकसभा चुनाव की राजनीति में अपना हस्तक्षेप कर सकती है और मजबूती के साथ कुछ करके दिखा, क्योंकि राज्यसभा में तो 10 हो गए, राज्यसभा में उनके 10 हो गए। अगर वो पंजाब में अच्छा चुनाव जीत सकते हैं, अब वो कितनी उनकी सीटें आएंगी वो अलग बात है, ये तो पहला सर्वेक्षण है एबीपी, एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण, अगर वो अच्छा कर सकते हैं, और दिल्ली में उन्होंने बुद्धिमानी काम किया है कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके, इससे भाजपा को थोड़ी टक्कर दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितना जीतेंगे, लेकिन भाजपा को टक्कर दे पाएंगे, तो यहाँ पे उनका नतीजा अगर अच्छा निकलता है तो वो जो कमी है उसकी भरपाई की शुरुआत हो सकती है। एक चीज़ जोड़ूंगी, पंजाब बहुत इमोशनल स्टेट है, बहुत
भावनात्मक वोट कास्ट करता है। 2014 में जो आम आदमी तो भावनाओं को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले उड़ते हैं, पंजाब में क्यों नहीं हो पाते? पंजाब क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का सवाल है, सिख आइडेंटिटी, द ओनली स्टेट वेयर देयर इज अ सिख मेजॉरिटी, तो वहां पर आइडियोलॉजिकल द्वंद रहता है बीजेपी और सिख आइडेंटिटी में, वो एक अलग डिबेट। अपने आप को हिंदू नहीं मानते और आरएसएस के लोग कहते हैं नहीं भाई सिख तो हिंदू है, मतलब आइडेंटिटी का द्वंद तो रहता ही है, वो तो हिस्टोरिकल है। एक चीज जो जोड़ रही थी मैं कि 2014 में आपको याद होगा एक बहुत बड़ा हंगर स्ट्राइक चला था पंजाब में, गुरबख्श सिंह खालसा के एक एक्टिविस्ट थे, सिख एक्टिविस्ट जो अब नहीं है, जिन्होंने सुइसाइड कर लिया था, जिन्होंने सबसे पहले बंदी सिख्स का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो दो डेकेड से ज़्यादा मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में बंद हैं जेलों में, जो आज मुद्दा बना हुआ है, अकाली दल और भाजपा की अलायंस क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि अकाली दल ये चाह रहा है कि बंदी सिख्स के इशूज़ पर कुछ रियायत दी जाए। तो गुरबख्श सिंह खालसा तो वहाँ अलग एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है, पंथक पॉलिटिक्स भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।